हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती बोरवाल। दोस्तों, सभी नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। नीट 2021 के जो स्टूडेंट्स नीट को पोस्टपोन कराना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने जो है क्या अनाउंसमेंट की है, लाइव अनाउंसमेंट, और साथ ही में ट्वीट भी किया है। तो पूरी अपडेट आपको विस्तार से बताऊँगी, लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, पोस्टपोन नीट को लेकर विनीत जोशी जी के लिए ये जो ट्वीट किए गए हैं कि दोज हु आर ट्वीटिंग, लेट मी टेल यू गाइज, ओनली री ट्वीट वॉन्ट हेल्प। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू ट्रेंड इट, प्लीज़ री ट्वीट। आपको ट्विटर हैंडल पर जाकर री ट्वीट करने हैं, ट्वीट अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। #postponeNEET पोस्टपोन नीट यूजी, शिफ्ट नीट यूजी एंड #save सेव नीट एस्पिरेंट्स। इसके बाद और नीचे आइए तो आप देख सकते हैं कि कल जो है एजुकेशन मिनिस्टर लाइव थे, लेकिन उन्होंने NEP के बारे में काफ़ी कुछ बोला है, और जो मोदी जी ने नई योजनाएं बनाई हैं उनके बारे में विस्तार से बताया है, लेकिन नीट के बारे में अभी कोई डिसीजन नहीं दिया है। और उस लाइव अनाउंसमेंट में आप देख सकते हैं लगभग 55 मिनट का लाइव था। CBSE 10th और 12th इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी हैं, और साथ में और भी एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं, और मैथमेटिक्स एग्ज़ाम जो कि 13 सितंबर को शेड्यूल्ड है। इन सब एग्ज़ाम्स की वजह से नीट के बच्चे काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें नीट का पेपर भी देना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स का पेपर भी देंगे, तो उनके लिए टफ हो जाएगा एक साथ तैयारी करना। तो जल्दी ही एजुकेशन मिनिस्टर फिर से मीटिंग कर सकते हैं, लाइव अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो वो अक्टूबर की कौन सी डेट को होगा, मे बी 10 अक्टूबर या 17 अक्टूबर। लेकिन अगर कोरोना की थर्ड वेव सितंबर अक्टूबर में आती है, अक्टूबर में हाई रिस्क रहेगा, तो आपका एग्ज़ाम नवंबर तक भी पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन अगर कोरोना की थर्ड वेव इधर नहीं आई, तो 12 सितंबर को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि जो बच्चे कर रहे हैं कि फिजिक्स 9 सितंबर को, ICAR भी 9 सितंबर को कर दिया गया है, नीट UG 12 सितंबर को है, CBSE मैथमेटिक्स 13 सितंबर को है, और CMA DK ये 14 सितंबर को है। तो सारे एग्ज़ाम को डेट आगे पीछे करना पॉसिबल नहीं है, इससे अच्छा वो नीट की डेट ही थोड़ी बढ़ा दे, क्योंकि 88% बच्चों ने पोलिंग की है और उन्होंने बोला है कि नीट की डेट को जो है आगे शिफ्ट किया जाए। तो देखते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर और NTA के डायरेक्टर विनीत जोशी जी मिलकर क्या डिसीज़न लेते हैं, क्या नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है। तो जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर बता दिया जाएगा। लेकिन आप लोग जो ट्वीट वाला चल रहा है ट्विटर हैंडल पर, रीट्वीट करिए। जितना ज़्यादा आप रीट्वीट करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो बच्चे केवल पोस्टपोन कराना चाहते हैं उनके लिए, और जो बच्चे पोस्टपोन नहीं कराना चाहते हैं वो भी पढ़ाई करते रहें। अगर पोस्टपोन हो जाता है एग्ज़ाम, तो ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा, और ज़्यादा मौका मिल जाएगा। लेकिन जो पोस्टपोन कराना चाहते हैं वो भी पढ़ाई करते रहें, ताकि आपका टाइम वेस्टेज ना हो। चैनल से जुड़े रहिएगा हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।